बीसीसीआई को तो आप सब जानते ही होंगे, भारतीय क्रिकेट को मैनेज करने वाली संस्था है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। आपको ये बात पता होगा कि हमारे मुल्क में क्रिकेट को लेकर कितना दीवानापन है, कितना पागलपन है, ये किसी से छुपा भी नहीं है। अब इस दीवानगी का सीधा सीधा फायदा सरकारी खजाने को हो रहा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक सवाल के जवाब में इस बार बताया है कि बीसीसीआई ने पिछले वित्तीय वर्ष में यानी 2021-22 में जमकर पैसा कमाया और रिकॉर्ड 1159 करोड़ रुपए का सिर्फ टैक्स सरकारी खजाने में जमा कराया है। 1159 करोड़ का यह टैक्स पिछले साल के मुकाबले 37% ज्यादा है। अब हम आपको बीसीसीआई की कमाई से जुड़े कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो आपको खुशी से हैरान कर देंगे और जो ये भी बताएंगे कि क्यों हमारे देश में क्रिकेट का जुनून किस हद पर पहुंच गया है, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, आखिरकार बीसीसीआई क्यों इतना मालामाल है। इन आंकड़ों को ध्यान से देखिएगा। बीसीसीआई की जो आमदनी और खर्च है इसका हिसाब आपको देता हूं। 2021-22 में आमदनी थी 7606 करोड़ रुपए। इस आंकड़े को 7606 को याद करिएगा क्योंकि पूरी ग्राफिक्स में इसका इस्तेमाल बार बार आने वाला है। 7606 करोड़ रुपए की आमदनी थी बीसीसीआई की और 2021-22 में जो खर्चा था बीसीसीआई का वो 3604 करोड़ रुपए का था। अब अगर मैं आपको एक साल पहले ले जाऊं 2020-21 में तो ये बीसीसीआई की आमदनी 4375 करोड़ थी जो इस साल के 7606 करोड़ के आंकड़े से 3231 करोड़ रुपए कम थी, यानी खर्च भी उस वक्त कम हुआ था 3080 करोड़ रुपए का। अब अगर टैक्स के भुगतान की बात की जाए, बीसीसीआई ने कितना टैक्स दिया, तो 2020-21 में बीसीसीआई ने जो सरकारी खजाने में पैसा जमा कराया वो 845 करोड़ रुपए था। 2019-20 में जो आंकड़ा जो पैसा जमा कराया वो 882 करोड़ रुपए था और 2017-18 में जो टैक्स जमा कराया वो 596 करोड़ रुपए था। अब अगर इसकी तुलना बीसीसीआई की कमाई की तुलना में खेल मंत्रालय के बजट के साथ करूं तो आप हतप्रभ रह जाएंगे। युवा मामले और खेल मंत्रालय जो एक जॉइंट मिनिस्ट्री है युवा और खेल की, उसका बजट सालाना 3397 करोड़ रुपए का होता है जो कि बीसीसीआई की आमदनी 7606 करोड़ रुपए से आधे से भी ज़्यादा कम है। यानी बीसीसीआई कहीं ज़्यादा, पूरे खेल मंत्रालय के स्पोर्ट्स से ज़्यादा बजट से ज़्यादा कमा रहा है। अब अगर स्पेसिफिकली खेल मंत्रालय की बात की जाए तो उसका बजट 2500 करोड़ रुपए का है जो कि बीसीसीआई के 7606 करोड़ की आमदनी से बहुत बहुत कम है। युवा मामलों के मंत्रालय का बजट तो 935 करोड़ रुपए है मात्र, जो कि 7606 के आंकड़े से बहुत ज्यादा, करीब 75% से 80% कम है अगर मेरा मैथ्स ठीक है तो। खेल संघों को खेल मंत्रालय से इस साल जो रकम मिली वो 325 करोड़ रुपए की थी, मात्र 325 करोड़ रुपए। खेल मतलब हर तरीके का खेल। बीसीसीआई जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है उसकी आमदनी है 7606 करोड़ रुपए। यानी अब ये तुलना करने में भी शर्म आती है कि क्रिकेट कितना कमा रहा है और बाकी खेलों के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है। खेलो इंडिया का आयोजन कर रही है सरकार जिसमें स्कूल के स्तर के बच्चे खेल खेलते हैं, 1045 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए। ये भी बीसीसीआई की कमाई 7606 करोड़ से बहुत 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 कम है। अब अगर खेल संघों के बजट की बात की जाए, अलग अलग खेल संघ हैं, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कबड्डी वगैरह, उनकी तुलना करते हैं क्रिकेट के साथ, तो भारतीय एथलेटिक्स संघ की आमदनी 2021-22 में 98 करोड़ रुपए थी। बीसीसीआई की आमदनी तो आपको याद हो गई होगी 7606 करोड़ रुपए, यानी कहीं 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 कम आमदनी थी एथलेटिक्स की। बैडमिंटन की बात की जाए, बैडमिंटन का हाल तो और भी बुरा है, उसकी आमदनी 13.4 करोड़ रुपए है, बीसीसीआई की आमदनी 7606 करोड़ रुपए है। 2021-22 में भारतीय बैडमिंटन संघ का जो खर्च था वो 13 करोड़ के आसपास का था। अब अगर मैं कुश्ती की बात करूं, अगले उस ग्राफिक्स पे आ जाते हैं कुश्ती की तरफ, 9.1 करोड़ रुपए की आमदनी थी कुश्ती संघ की, जबकि बीसीसीआई की 7606 करोड़ रुपए। बीसीसीआई ने मतलब और खर्च जो था वो 5.5 करोड़ के आसपास का था। तो आप मान सकते हैं कि तमाम खेलों के मुकाबले क्रिकेट को क्यों इतना पसंद किया जाता है, क्रिकेटर्स इतना पैसा क्यों कमाते हैं, वो इस आंकड़े से साफ होता है। लेकिन एक और बेहद दिलचस्प ग्राफिक्स मेरी टीम ने इकट्ठा किया जो आपको जरूर देखना चाहिए। बीसीसीआई अगर हम तुलना करते हैं कुछ देशों की जीडीपी के साथ, जहाँ कुछ देश हमने छांटे हैं, और आप ये आंकड़ा देखिए आप हैरान रह जाएंगे, पता लगता है कि बीसीसीआई की शहंशाहत कहां तक पहुंच चुकी है। बीसीसीआई की आमदनी है 84.5 करोड़ डॉलर। डोमिनिका एक देश है, उसकी जीडीपी है, जीडीपी की बात कर रहा हूं, यहां आमदनी है वहां जीडीपी है 68
68.1 करोड़ रुपए की आमदनी है। ऐसे एक और मुल्क है टोंग, उसकी टोंगा, उसकी जीडीपी है 54.1 करोड़ डॉलर। और एक और देश है किरबाटी, किरबाटी एक और देश है छोटा सा, इसकी जीडीपी है 24.8 करोड़ डॉलर की। नाउरू की जीडीपी है 15.1 करोड़ डॉलर की। और बीसीसीआई की आमदनी है एक साल की 7,606 करोड़ रुपए। यानी कई देशों की जीडीपी से ज्यादा हमारे और आपके पसंदीदा क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई की कमाई है। ये दिखाता है कि क्यों बीसीसीआई को इतना पैसा मिल रहा है और क्यों सरकार बीसीसीआई को इतनी ज़्यादा सहूलियतें भी देती रहती है।